तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब साला डे 20 पर एंट्री मार चुका है और तबाही ये कमाई कर रही है या नहीं कर रही है वो तो दिखते नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एवरेजली ग्रो कर रही है। और भाई साहब हिंदी ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ रखा हुआ है प्रभास के सर पर, प्रभास के साथ, क्योंकि जो भी कमाई आ रही है मेजर ऑफ द मेजर कमाई सिर्फ 75-80% हिंदी ऑडियंस से देखने को मिल रहा है। मतलब हिंदी ऑडियंस दबा के प्यार दे रही है और साउथ में अब भाई साहब उतना कलेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि मूवी साउथ की है, खुद तेलुगु से ही उतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। वर्किंग डेज की मार अलग झेल रही है ये मूवी। क्लैश अगर नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर क्लैश नहीं होता तो भाई साहब ये मूवी जबरदस्त कमाई करके ले चले जाती। ऊपर से तेलुगु ही रीजन में बहुत सी मूवीज अभी जनवरी पे लगी हुई हैं, लाइक कैप्टन मिलर आने वाली है, कंतूर कारम आने वाली है एंड हनुमान मूवी आने वाली है, राणा डग्गुबत्ती की मूवी, तो बहुत है भाई साहब साउथ में अभी इस टाइम पे फाड़ के कॉन्टेंट चल रहा है और फाड़ के रस चल रहा है। दैट्स वाई कि अब सालार के लिए लोगों ने, वहां की पब्लिक ने अब जो है पैसा बचाना शुरू कर दिया है आगे आने वाली मूवीज के लिए। दैट्स वाई कि भाई सालार को अब साउथ में उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, लेकिन हिंदी ऑडियंस भाई दबा के प्यार दे रही है। और यस, हिंदी ऑडियंस में या हिंदी रीजन में कह लो भाई, प्रभास की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और साउथ की मूवीज की फैन फॉलोइंग अच्छी ही रहती है। ऊपर से प्रभास नाम जुड़ा है, देन सालार के लिए तो लोग पूरे साल वेट कर रहे थे। भाई साहब मूवी की ग्रोथ बहुत ही डाउन पिट चुकी है। अभी सारी चीज़ों पर करके नजर मारेंगे, कल तक क्या कलेक्शन कर लिया है, कल कैसा क्या कलेक्शन रहा है, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कैसी चल रही है आज की कल की। तो भाई क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, कल डे 19 की बात करेंगे। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 15% थी, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 15% के आसपास थी, एग्जैक्ट 15.29% के आसपास। सिर्फ हिंदी ऑडियंस से रेस्पॉन्स मिल रहा है भाई साहब, और तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम बहुत कम रेस्पॉन्स आ रहे हैं, ना के बराबर कह सकते हैं। और कल नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट है इस मूवी का 2.15 करोड़, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 3 करोड़, ओवरसीज से 1 करोड़ और पूरी दुनिया से ये मूवी का लैंड ऑफ द डे तक 4 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में लेते नजर आ रही है। यस, अगर प्रभास के डाई हार्ट फैन हो, सरार मूवी के लिए वेट कर रहे हो, तो भाई साहब किसी का बाप का कर्जा नहीं खा रखा। 4 करोड़ भी ह्यूज एंड बाप आंकड़ा है अपने हिसाब से देखा जाए तो, जबकि बहुत सी मूवीज लाइन पर लगी पड़ी हैं। साथ में एनिमल ने 100 रुपए टिकट कर दिए हैं भाई, तो वो अलग लेवल की तबाही मचा रहा है, वो भी हिंदी ऑडियंस में। डंकी अलग लेवल पर तबाही मचा रहा है हिंदी ऑडियंस में, लेकिन बावजूद इसके भाई पैन इंडिया मूवी, साउथ की मूवी आके अपना हक का कमाई लेके जा रही है। इसमें समझ सकते हो कि भाई प्रभास की क्या ही फैन फॉलोइंग है, जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। पहले 19 दिन में का लैंड ऑफ द डे तक ये मूवी टोटल नेट इंडिया से कमाई कर चुकी है 397 करोड़ 89 लाख, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 486 करोड़, पूरी दुनिया से 712 करोड़ के क्लब में ये मूवी एंट्री मार चुकी है कल एंड ऑफ द डे तक। बात करें आज डे 20 में कैसी ग्रोथ है भाई, क्योंकि वर्किंग डे चल रहा है, आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार और कल परसों शुक्रवार, बस 2 दिन और ये रेट झेल गई तो सैटरडे संडे को अपने आप इसकी ग्रोथ हाई चली जाएगी। लेकिन भाई साहब आने वाले 2-3 दिन में ही कैप्टन मिलर आने वाली है 11 जनवरी या 12 जनवरी के आसपास, तो मूवी की ग्रोथ अब पिटने वाली है। साउथ में तो पिटी जाएगी, देन उसके बाद कैप्टन मिलर हिंदी में भी देखो अच्छा खासा कलेक्शन लेके जाएगी। तो भाई आज की बात करते हैं, आज डे 20 में कैसी क्या ग्रोथ है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 14% की है, नेट इंडिया से 2 करोड़, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 2 करोड़ 80 लाख, पूरी दुनिया से 3 करोड़ 80 लाख का मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में लेते नजर आ रही है। तो पहले 20 दिन में ये मूवी आज एंड ऑफ डे तक कितना करते नजर आ रही है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 715 करोड़ 80 लाख के आसपास। देखा जाए तो भाई साहब बहुत बड़ा कलेक्शन है, लेकिन जिस हिसाब का इसका बजट है, जो शुरू में रिवील आउट करा जा रहा था मेकर्स की तरफ से 400 करोड़ का बजट, लेकिन भाई जिस हिसाब की ये कमाई एक्सपेक्टेशन थी, कि उम्मीद थी, जो होप थी कि भाई 1000 करोड़ से ऊपर जाएगा और वो नहीं जा पाया, तो मेकर्स अभी माइंड गेम खेल रहे हैं कि भाई 350 करोड़ या 300 करोड़ के आसपास मूवी का बजट दिखा रहे हैं कि भाई साहब हमने डबल कमाई कर ली है या यो जो भी कमाई कर ली। लेकिन देखा जाए तो एवरेजली भाई बहुत अच्छी कमाई इस मूवी ने कर ली है, जो इस साल बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज करके गई हैं 700-800 करोड़। तो लेकिन सरार से थी बहुत ज़्यादा होप थी कि ये 1000 करोड़ ईजिली जाएगी बिना कोई रोकथाम, बिना कोई फालतू बकैती के, क्योंकि जवान भाई ईजली स्मूथली 1150 करोड़ टच करके गई है स्मूथली। लेकिन सलार के साथ अभी वैसा होता तो नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी भी 1000 करोड़ की मूवी टच कर सकती है या 800 करोड़ में ढह जाएगी या 750 करोड़ में, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया ना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।